সোমবার সকাল আনুমানিক 7:30 নাগাদ ধর্মনগর থানাধীন মঙ্গলকালী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে লক্ষ্মীরানী মহিষ দাস নামের এক মহিলার নগ্ন মৃতদেহ উদ্ধারে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। নগ্ন মৃতদেহ দেখে প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ ধারণা করেছিলেন মহিলাকে ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে। মৃতার স্বামী অজয় চন্দ্র মহিষ দাস দাবি করেন, স্ত্রী বেশ কিছুদিন যাবৎ একটি ছেলের সাথে পরকীয়ে লিপ্ত ছিল। তার রেশ ধরে স্ত্রী বাড়ি থেকে কোথায় চলে যায়। পরবর্তীতে দুটি অপরিচিত মোবাইল নম্বরে তার কাছে ফোন আসে। তাকে বলা হয় তার স্ত্রী ব্যাঙ্গালোরে রয়েছে। শ্যামলী ধর্মনগর থানায় একটি মিসিং ডায়েরি করেছে। এদিকে এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনায় ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছিলেন ধর্মনগর থানার ওসি, মহিলা থানার ওসি সহ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ও পুলিশ সুপার। আনা হয় ফরেন্সিক টিম এবং ডগ স্কোয়াডকে। এরপর মহিলা থানার পুলিশ ও ধর্মনগর থানার পুলিশ তদন্তে নামে। তদন্তে নেমে পুলিশের হাতে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। শ্যামলী ঘটনার 12 ঘন্টার মাথায় এ কাণ্ডে গ্রেফতার করা হয় মৃতার স্বামী অজয় মহিষ দাস, দুই ভাসুর পুতুল মহিষ দাস ও অধীর মহিষ দাস এবং দুই ভাসুর পুত্র কৃষাণ মহিষ দাস এবং অনিমেষ মহিষ দাসকে। বর্তমানে ধৃতরা ধর্মনগর থানার হেফাজতে রয়েছে। পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি 302-120 ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে। এ মর্মে পুলিশ সুপার ডক্টর কিরণ কুমারকে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন ধৃতরা হত্যার ঘটনা স্বীকার করেছে। পুলিশের প্রাথমিক তদন্ত ও ধৃতদের জবানবন্দি অনুসারে মৃত মহিলা বেশ কয়েক মাস যাবৎ কুমারঘাটে থাকতেন। গতকাল অর্থাৎ রবিবার মঙ্গলকালী স্বামীর বাড়িতে আসলে স্বামী সহ ভাসুর ও ভাসুর পুত্র মিলে তাকে বেধড়ক মারপিট করে হত্যা করে পরে ঘটনাকে পরকীয়ায় রূপ দিতে মৃতদেহকে নগ্ন করে খালি টিলায় রেখে দেয় স্বামী, দুই ভাসুর ও দুই ভাসুর পুত্র। এদিকে মঙ্গলবার ধৃতদের ধর্মনগর জেলা আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার। मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला कि एक लेडी अराउंड 40 इयर्स एक डेड बॉडी मिला है मंगलकाली वार्ड नंबर 2 ये पैडी फील्ड के बगल में मिला है। तो इमीडिएटली हमारा पुलिस टीम रश किया है हेडेड बाय और SDPO धर्मनगर एंड मैं भी फील्ड विजिट किया है। उसके बाद ये तो पूरा ब्लाइंड केस था, क्या हुआ तो कुछ नहीं पता है। एक्चुअली लेडी का कंडीशन भी जो डेड बॉडी का कंडीशन था उसमें इसका कपड़ा भी नहीं था, उसके ऊपर कुछ चादर जैसे लगाया था। तो बाद में हम लोगों ने फोरेंसिक टीम बुलाया है, डॉग स्क्वाड भी बुलाया है और विद इन 2 आवर्स हमारा पुलिस टीम ने इस केस को क्रैक किया है। विद इन 2 आवर्स वी हैव मैनेज टू अरेस्ट अराउंड 5 पीपल को अरेस्ट किया है। इसमें कहानी ऐसा आता है कि लेडी का जो हस्बैंड है अजय महेश दास और उनका जो रिलेटिव्स है एक अनिमेश महेश दास उनका भतीजा है और एक कृष्णा महेश दास उनका दूसरा भतीजा है और एक अधीर महेश दास और पुतुल महेश दास ये दोनों उनका भाई है। तो ये 5ों लोग मिलके लेडी का कत्ल किया है। तो इसका कहानी ऐसा है कि 6 महीने से पहले लेडी घर छोड़ के चली गई थी, कहीं पे कुमारघाट में रह रही थी। उसके बाद जब कल फर्स्ट टाइम आफ्टर 6 मंथ्स इसमें घर पर आई थी। उसके बाद इसको ये सब फैमिली मेम्बर्स को इसके ऊपर बहुत गुस्सा था कि घर छोड़ के चली गई है। तो बहुत सारा हॉट अल्टरनेशन हुआ है इधर। तो उसके बाद इन लोगों ने कुछ मारा भी है लड़की को और उसके बाद फाइनली सब लोग मिल के मेनली इसका हस्बैंड उसका गला घोटा है और रिमेनिंग जो पीपल है उसको हाथ पैर पकड़ा है, मारा है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, बॉडी को लेके प्लांट किया है इधर पैडी फील्ड के पास। उसके बाद ये हमें गुमराह करने के लिए, पुलिस को गुमराह करने के लिए और उसको दिखाने चाहते हैं कि कुछ और घटना हुआ है, उनके ऊपर डाउट नहीं आए। तो इन्होंने अलग अलग PO पे अलग अलग चीज़ रखा है। एक PO जैसे बॉडी मिला था उसका 50 मीटर का आगे उनका सैरी मिला है और 50 मीटर के आगे उनका पर्स और बैग मिला है और सारी के पास कुछ खाना है, ये सब उन लोगों ने प्लान किया है। ऐसे हमने गुमराह बना दिया कि ये इन्होंने नहीं किया और एविडेंस को मिटाने के लिए कोशिश किया है। गोटा घटना इलाका जुड़े चांचलो बिराज करते। ब्यूरो रिपोर्ट, RE न्यूज़।